सुनो, कुत्ते को घर में रखना कैसा है? कुत्ते को घर में रखना कैसा है, इमाम जाफ़र सादिक अलैह सलाम से मनकूल है। लेकिन ये बताने से पहले मैं बताना चाहूँगी कि इमाम जाफ़र सादिक अलैह सलाम को अपने नाना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और मौला अली अलैह सलाम से इल्म हासिल हुआ, जिसकी बिना पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कायम की। उस दीनी यूनिवर्सिटी से उन्होंने दुनिया में इल्म को फैलाया। तो इमाम जाफ़र सादिक अलैह सलाम ने फरमाया कि कुत्ते का घर में होना मकरूह है, हराम नहीं है, मकरूह है। फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैह सलाम ने फरमाया कि जो इंसान अपने घर में कुत्ता रखता है, इसके अमाल के सवाब में से रोज़ाना एक मकदार कम कर दी जाती है। फिर फरमाया कि शिकारी कुत्ते और गले के मुहाफिज कुत्ते के अलावा कुत्तों में कोई भलाई नहीं पाई जाती। और फिर फरमाया कि हदीस में साफ बताया गया है कि कुत्ते को घर में रखा जाए लेकिन अलहदा जगह पर, कम अज़ कम उसके और तुम्हारे घर के बराबर में एक ऐसा दरवाज़ा हो जो बंद हो सके। याद रहे, जिन कुत्तों का बदन सारा का सारा काला हो वो जिन होते हैं। फिर रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुत्ते कमज़ोर जिनों में से हैं। और याद रखो कि अगर तुम खाना खाने बैठो और तुम्हारे सामने कुत्ता हो तो या तो तुम उसे खाना डाल दो या तो उसे भगा दो, क्योंकि उनके नफ्स बद हैं। फिर इमाम जाफ़र सादिक अलैहि सलाम ने फरमाया कि याद रखो, जो कुत्ते इस रंग के हैं, स्याह सफ़ेद सुर्ख, वो जिनों में से हैं। और याद रखो, जो अबलग कुत्ते हैं, ये जिनों और आदमियों में से मस्त हो गए। हमारी टीम को काफ़ी ऐसे कमेंट रिसीव हुए हैं जिनमें ये बताया गया है कि हम कुत्ता पालना चाहते हैं, या फिर जिन लोगों ने घर में कुत्ता पाला हुआ है उनका ये कहना है हम किस तरह से पालें। तो ये है कि आप 40 कदम की दूरी पर कुत्ता पाल सकते हैं। और याद रहे कि कुत्ता सबसे ज़्यादा नजीस है, लेकिन इसकी वफा सबसे ज़्यादा मशहूर। और फिर कुत्ता कहता है कि परवरदिगार, मैं निजी हूँ लेकिन नमक हराम नहीं।